अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9 रमज़ानुल मुबारक 31 मार्च 2023 बरोज़ जुमा फजर की नमाज के बाद जन्नतुल बकीम जो मदीना मनौरा का मुबारक कब्रिस्तान है मस्जिद नबवी के साथ वहाँ पे मौजूद हैं। ये सामने रोज़ा मुबारक आपको नज़र आ रहा होगा माशाल्लाह, और ये ज़ायरीन फजर की नमाज के बाद चूँकि कब्रिस्तान का दरवाज़ा खोला जाता है तो ये ज़ायरीन ज़ियारत के लिए अंदर आए हुए हैं। ये पीछे होटल्स हैं और ये बैकग्राउंड में आपको ओहद पहाड़ नज़र आ रहा है। ओहद पहाड़ के बारे में नबी सल्लम ने फरमाया कि ये हमारा दोस्त है, हम इससे मोहब्बत करते हैं, ये हमसे मोहब्बत करता है माशाल्लाह। और ये सारी कबूर हैं, अभी भी यहाँ पे तदफीन होती है। फजर की नमाज के बाद भी यहाँ पे एक जनाजा अभी आया, उसकी तदफीन हुई है। यहाँ पे बहुत सारे सहाबा कराम उम्महातुल मोमिनीन की कब्रें हैं, सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की कब्र भी मौजूद है, जन्नतुल बकीम है वो सामने। ये ब्लू कलर के जो बोर्ड नज़र आ रहे हैं, इस जगह पे सैयदना उस्मान बिन अफान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी कब्र मुबारक है माशाल्लाह। और क़यामत के दिन इस कब्रिस्तान में जो दफनाया जाएगा वो क़यामत के दिन अमान की हालत में उठाया जाएगा, आप सल्लम ने की हदीस मुबारक है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें भी जन्नतुल बकी में मदफन अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।